नमः शिवाय। स्मरान्तिकं पुरान्तिकं भवान्तिकं मखान्तकं गजान्तकान्धिकान्तकं तमन्तिकान्तकं भजे। जय तद्भ्रमद्भ्रमदभुजङ्गमस्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभाल्यहव्यभाट। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का स्पेशल कार्यक्रम भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आपको इससे पहले एपिसोड में हमने बताया था कि कुछ समाज के लोग शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा क्यों देते हैं, और मुझे लगता है कि उन लोगों का ये भ्रम दूर हो गया होगा कि शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा देना सरासर गलत है। अगर ये अभी भी नहीं समझते तो उन्हें खुद को मानसिक रूप से विक्षिप्त मान लेना चाहिए। ये उनसे मेरा यानी पंडित चंद्रशेखर शर्मा का निजी कथन है, मेरा कहना है, लेकिन शिवलिंग पवित्र है और पवित्र ही रहेगा। अब इतना सब कुछ देखने के बाद आपका सवाल ये होगा कि शिव महापुराण की अभद्र कहानियों के बारे में क्या कहेंगे। ये भ्रम भी मैं आपका दूर कर देता हूँ। ऐसे में एक सवाल मेरा भी ऐसे लोगों से है कि हदीसों, कुरान, पुराने नियम आदि की कहानियों के बारे में आप क्या कहेंगे। आपके कम्युनिस्ट नायकों के निजी जीवन की किंवदंतियों के बारे में क्या कहेंगे। आपके नास्तिक आइकॉन्स की हताशा और अवसाद के बारे में क्या कहेंगे। ऐसे में वेदों के शिव की अवधारणा को चुनौती देना सरासर गलत है। क्या शिवलिंग को पूजने वाला ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के ग्रंथों का अपमान करता है? क्या उसने कभी कहा, जो मेरे शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाता मुझे उससे नफरत है? वह उसके विश्वासों का सम्मान करने वालों के साथ ही अपना पर्व मनाता है और तुम्हें वह आमंत्रित नहीं करता, तो फिर हानि रहित पर प्रहार क्यों? और जब इसका विरोध करें तो ऐसे लोगों को ही सबसे पहले हाय तोबा क्यों मचाते हैं? शिव और शक्ति के संबंध को दर्शाती बहुत सारी प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक कहानियां शिवपुराण में मिलती हैं, जहां कुछ बहुत सुंदर तथ्य हैं वहीं कुछ समझाने में बहुत कठिन है, कुछ प्रचिक्त भी हो सकती हैं। यही कारण है जो कि पुराण पग पग पर कहते हैं, जो वेदों के अनुसार समझ में आए वही अपनाएं, वाकी रहने दें, वेद ही परम प्रमाण हैं और हिंदू करते भी यही हैं। अब यह सच है कि हिंदुओं शिव शक्ति उपासना को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। उन्हें प्रतीकों का वैदिक स्रोत जानना चाहिए और अपने विश्वास को और मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि मनाने के लिए उन्हें तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारे समाज के कुछ दुश्मन ये भी कहते हैं कि लोग शिवलिंग के ऊपर दूध की बर्बादी के बारे में क्या कहेंगे। चलिए, इसका जवाब भी मैं ऐसे लोगों को दे देता हूँ। जो लोग इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो लोग पेप्सी पीते हैं, फैशन में पैसा उड़ाते हैं, नाइट पार्टीज में टल्ली रहते हैं और छटे हुए अय्याश होते हैं। सारे पिंगलों को महंगे ब्रांड्स की बजाय मोहल्ले के दर्जी द्वारा सिले कपड़े पहनने चाहिए, ताकि शिवलिंग के ऊपर व्यर्थ बहे दूध की भरपाई हो सके। उपदेश देने से पहले खुद के जीवन को सुधारो, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। वेदों में सहस्त्र धारा यानी अथर्व वेद 10.10 की एक धारणा है, अमृत की हजारों धाराएं जो कि स्तंभ को अनवरत पोषण देती है। इस ही मंत्र के अनुसार इस गाय को इस सहस्त्र धारा का स्रोत माना जाता है। इसी प्रतीक की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित किया जाता है, और हम संकल्प लेते हैं कि इस शिव शक्ति के जोड़े को हमारा सर्वोत्कृष्ट समर्पित रहेगा। यह अवधारणा देवता और मानव संबंधों के मूलभूत सिद्धांत से आविर्भूत है। इसलिए गीता का कर्मयोग अध्याय भी देखें। देवता हमें देते हैं, हम पुनः उन्हें ही देते हैं, उन्हें ही अर्पित कर देते हैं। शिव शक्ति से हमें आशीर्वाद और स्थिरता मिलती है,
और तेरा तुझको अर्पण की भावना से हमने उनका ही दिया समर्पित कर अपनी कृतज्ञता का व्यक्त करते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। शिव उपासना मन को पूरी तरह भक्तिमय कर देती है, व्यक्तित्व के निष्क्रिय पहलुओं को सक्रिय करती है, रगों में उत्साह उमंग का संचार करती है और सुनिश्चित करती है कि आप सही रास्ते पर हैं। शिव को रुद्र रूप में भी देखा गया है। अगर आप शिव को धोखा देने की कोशिश करोगे तो यह आप पर क्रोध के रूप में वापस आ जाएगा। वे भोले हैं तो भयंकर भी हैं। शिव सहस्त्र धाराओं द्वारा हमारे जीवन में प्रसन्नताओं को भरने वाले हैं। हम इसे वापस अर्पित करते हैं, चक्र बना रहता है। आप अपने पैसे, ऊर्जा, संसाधनों को अय्याशी में बर्बाद करते हो। हम उसे अपने आप को पशुता से मुक्ति और महादेव को धन्यवाद देने में उपयोग करते हैं। धर्म के बिना मनुष्य पशु है, और क्योंकि हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, हम और अधिक संसाधनों का सृजन करने और जरूरतमंदों को खिलाने में सक्षम होते हैं। गोमांस खाने वाले, शराब सिगरेट पीने वाले, दिखावटी ब्रांड पहनने वाले और मजे मारने वाले, स्टेटस सिंबल के लिए हजारों और तरीकों से पैसा बहाने वाले, जो लोग शिवलिंग पर दूध अर्पित करने को पैसे की बर्बादी कहते हैं, वे इसकी महत्ता को कभी नहीं जान सकते। अब मेरी आपसे अपील है, शिवरात्रि मनाइए, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए, दूध अर्पित कीजिए और गौशालाओं को दान दीजिए, गायों का संवर्धन करें, ओम नमः शिवाय का आह्वादन की तरह प्रयोग करें और भगवान शिव और मां शक्ति के खिलाफ बोलने वालों के प्रति रुद्र बने। रुद्र जो दुष्टों को रुलाता है वही रुद्र होता है। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।